तो बच्चों करते हैं हम 16 क्वेश्चन। और बच्चों ये कह रहा है कि कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 डिक्लेयर्ड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर्स। और बाकी ये नीचे वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, जो हम करते ही हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले मुझे दिख रहा है, नंबर ऑफ जो शेयर्स है बच्चों वो कितने हैं, 10,000, मतलब 10,000, राइट। 10,000 मेरे पे नंबर ऑफ शेयर्स है। रेट ऑफ डिविडेंड भी मुझे गिवन है, कितना रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चों, 8%, ओके जी। और क्या क्या गिवन है मुझे, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इज 100, ठीक है। जो मेरे पे नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 100, राइट। फेस वैल्यू 100 थी, लिख ली, ओके जी। अब मुझे क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। डिविडेंट मतलब क्या, डिविडेंट मतलब क्या, क्या इनकम, वेरी गुड, इनकम होता है। तो इनकम का फॉर्मूला लगा दूं क्या, बिल्कुल लगा देते हैं। नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या, फेस वैल्यू। तो बस इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर था, डिविडेंड था 8, फेस वैल्यू था मेरा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया बच्चों, 180,000, राइट। इतना हो गया मेरे पे, 80,000 हो गया मेरा क्या इनकम, क्या इनकम कितना हो गया बच्चों मेरा, 80,000, राइट। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो बच्चों अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों क्या कह रहा है, रमेश जो है उसने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके, शेयर्स 90 है ना, तो मैं सेकंड में लिख लेता हूं जो जो मुझे गिवन है। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कितना है, 90, ठीक है रमेश ने, ठीक है। अब रेट ऑफ डिविडेंड तो बच्चों वही रहेगा, ठीक है ना, 8%, और जो फेस वैल्यू है बच्चों वो भी वही रहने वाली है, ₹100। अब जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि भाई रमेश तो खरीद रहा है ना ये, तो खरीदना और बेचना किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। तो जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है बच्चों इस पे, 150 पर शेयर खरीद रहा है वो, रुपीज भी लिख लेना यार, ठीक है जी, ओके। अब क्या कह रहा है ये, डिविडेंड निकालो भाई, डिविडेंड निकाल लें, निकाल दें क्या, तो निकाल लेते हैं, चलो। तो डिविडेंड मतलब इनकम, तो इनकम कितना होगा बच्चों, नंबर, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ शेयर कितना है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ शेयर इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों, 90, रेट ऑफ डिविडेंड है 8/100 इनटू फेस वैल्यू कितनी है, 100, 0 से 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 8, 8 9 72 72, इतना रुपीज। तो जो इनकम है किसका, कैलकुलेट द इनकम, इनकम या डिविडेंड रिसीव बाय द रमेश, तो इतना है भाई इसका, 720। और क्या कह रहा है, परसेंटेज रिटर्न भी निकालना है, तो परसेंटेज रिटर्न भी निकाल लेते हैं जी, यहीं पे निकाल लें, चलो भाई यहीं निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज रिटर्न आपको पता है ना क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितनी आई थी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितनी आई थी, नहीं पता, अरे यार ये तो आई 720। इन्वेस्टमेंट कितनी है जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100। अगर नहीं आता डरने की कोई जरूरत थोड़ी ना, 720, नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों इसमें, 90, तो लिखो यहाँ पे 90, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, 150 इनटू 100, 0 से 0, 0 से 0, बस। अब इसको सॉल्व करिएगा और जो आपका आंसर आएगा, रेट जो आएगा वो आप क्या करोगे मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे, राइट, ये जरूर करना है यार प्लीज, इतना तो खरीदो, चलो भाई।